नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे धारा 370 की। पूरे देश में इस समय हलचल है, चर्चा है कि किस तरह से धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला टीवी चैनल सहित आम जनता में आज का सबसे गर्म विषय है और लंबे समय से यानी आजादी के बाद से ही धारा 370 का मामला चर्चा में था कि इसे कौन हटा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आती है तो धारा 370 को हटा दिया जाएगा। और चुनाव के कुछ ही माह बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना वादा पूरा कर दिखाया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बधाई देना पड़ेगी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना पड़ेगी, देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को बधाई देना पड़ेगी, जिनकी पहल रंग लाई और धारा 370 आज हट गई है। इस महीने में आज का दिन ऐतिहासिक भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर अब भारत का एक ऐसा अंग बन गया है जहां भारत का कानून लागू होगा, भारत के हिसाब से सब कुछ होगा। धारा 370 के अंदर कश्मीर भारत का अंग तो था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात तो होती थी, लेकिन कई बातें जुदा थी। मसलन कश्मीर में बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था, यही वजह थी कि वहां पर विकास कार्य रुके हुए थे। इसके अलावा कश्मीर की लड़की अगर किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, यही वजह थी कि वैवाहिक स्थितियां भी नहीं बन पाती थी। अगर कश्मीर की लड़की से कोई भारतीय शादी कर लेता है तो उसे जरूर कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। वहां का ध्वज अलग था और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर हमारे भारत के ध्वज को वहां अपमानित किया जाए तो उसके ऊपर कोई कानूनी सजा नहीं हो सकती, उसको गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। ये तमाम मुद्दे थे। इसके साथ ही कई मुद्दे और भी थे जो धारा 370 के साथ जुड़े थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो आज कदम उठाया गया है और जो प्रावधान किया गया है कि किस तरह से अब केंद्र शासित प्रदेश होगा कश्मीर और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाएगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रहेगी। कुल मिलाकर ये जो वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग किया गया है कश्मीर और लद्दाख को, इसके भी नतीजे बेहतर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर अब पूरी तरह से हमारे देश के साथ हर मायने में जुड़ गया है। कश्मीर का हर नागरिक अब भारत के साथ, हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। धारा 370 का मामला हर पार्टी के लिए एक गले की फांस बना हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल में भी लगातार 370 हटाने की मांग की जाती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ के बारे में भी एक नई जानकारी मिली कि वे 1990 में एक पैदल यात्रा ले गए थे धारा 370 को हटाने के लिए, और उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह को उन्होंने दिल्ली जाकर ज्ञापन दिया था। उस यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से इंदौर से शामिल हुए थे। यानी आज अगर लक्ष्मण सिंह गौड़ जिंदा होते तो उन्हें इस बात की बेहद खुशी होती कि जब कार्य उन्होंने 1990 में पैदल यात्रा करके कराना चाहा था, मांग की थी, जिसके लिए उन्होंने पैदल मार्च निकाला था, वो आज प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि वे 56 इंच का सीना रखते हैं तो वो बात आज साबित हो गई है कि जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के में 370 धारा हटाई है उससे यह साबित हो गया है कि वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 को हटाने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिस राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को आज साबित कर दिखाया है। आज भारत की राजनीति के लिए
भारत के नागरिकों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसका असर भी देश के विभिन्न भागों में दिखाई देने लगा है। जहां बड़ी पैमाने पर लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, फटाखे फोड़ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।